से होगी कि बैक साइड का गला जो है वो फ्रंट साइड के गले के ऊपर आएगा और यहाँ पे सिलाई आएगी। और फिर दूसरी तरफ से भी तीन प्लेट और डालें इस तरह। आपको जितना बाजू मतलब जितना आपने एक्स्ट्रा रखा होता है फिर उतनी हम इसको सिलाई, ये जो हमने पट्टी बनाई थी इसके ऊपर बटन लगा लें। वेलकम बैक टू माय चैनल दाम्बरी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम एक 2 साल की बच्ची की फुल घेर वाली फ्रॉक बनाएंगे जिसमें हम ऊपर से बॉडी जो है वो अलग लगाएंगे और नीचे हम घेर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है और इसकी मेजरमेंट है ऊपर वाली बॉडी की 10 से 7 इंच है, 10 इंच लंबाई, 7 इंच चौड़ाई, और नीचे घेर की जितनी चौड़ाई थी उतनी सारी रखी है और लंबाई जो है वो 11 इंच है। अब नीचे जो ये जो घेर है वो तो बिल्कुल रेडी है, उसमें बस सिलाई लगा के उसको चुंटे डालनी है उसमें। लेकिन यहाँ पर हमने कंधा कट करना है तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 इंच कंधा चौड़ाई में मतलब तीरा जो है वो 5 इंच रखा और बाजू जो है वो गहराई में मैंने 5 इंच रखा। इस तरह इसकी कटिंग की, ऊपर से कंधे की हल्की सी कट कर लेंगे इस तरह। और फिर ये ब्लैक पट्टी मैंने गले पे के आगे लगानी थी वो मैंने रेडी कर ली है, लेस रखी है। अब बाजू जो है वो मैं आपके सामने कट कर रही हूँ क्योंकि उसमें थोड़ी सी मेयरमेंट थी। तो यहाँ पे जो हमने चुंटे डाली हैं उसके लिए मैंने अलग से कपड़ा लिया और ये यहाँ पे जो गुलाई की शेप है उसके लिए हमने अलग से लिया। हमने पीछे तकरीबन 5 से 6 इंच पीछे रखना है और फिर बाजू की जितनी लंबाई है उतनी रखेंगे। यहाँ पे मैं तकरीबन 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ लेकिन ये बाजू लंबा हो गया था, मैंने ये बाजू बाद में थोड़ा सा छोटा किया था 2 साल की बच्ची के लिए। तो आपके बाजू की जो मेजरमेंट है आप वही रखिएगा। आगे मैंने मोहरी के लिए निशान लगाया और पीछे हम गुलाई की शेप देंगे। अब मेरा हाथ सीधा नहीं था तो मैंने कपड़े को अपने हाथ अपना सीधा किया कपड़े पे और फिर अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये शेप जो है कुछ इस तरह से है, चौक से अगर आपको नज़र नहीं आई तो कटिंग से आ जाएगी। फिर आगे से बाजू की शेप है और फिर मोहरी के आगे से हम कटिंग कर लेंगे। अब ऊपर से यहाँ पे इतना हमने रेडी करना है और ये जो ऊपर है ये सारी चुंडे इस तरह से आ जाएंगी। ये जो बलून की टाइप बन जाएगा मतलब फूला हुआ बाजू, बहुत प्यारा लगता है बच्चों को। अब यहाँ पे मैंने पट्टियाँ जो है बैक साइड के लिए रेडी कर ली हैं, रेप पट्टी भी रेडी कर ली है और फ्रंट गला जो है वो भी रेडी कर लिया है। अब एक पीस हम लेंगे यहाँ पे इस तरह से और ये जो ब्लैक पट्टी मैंने ली है इसको मैंने बिल्कुल दरमियान में रखा है और इसके साइड पर मैंने लेस लगानी है इस तरह से। इसके साइड पर मैंने लेस रखी। अब ये जो ब्लैक पट्टी है ये फुल ऊपर तक नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने ऊपर से गला बना लेना है, तो मैं इसको फुल ऊपर तक नहीं बनाऊंगी। जितना गला होगा तो उतनी ही ये पट्टी हम बनाएंगे। ऊपर से देखिए मैंने यहाँ पे कट कर दिया और फिर यही हम साइड दूसरी साइड पे भी बनाएंगे। ये बहुत ही डिसेंट सा प्यारा सा थोड़ा सा डिज़ाइन है लेकिन बहुत ही प्यारा सा बन गया था, लेस बहुत प्यारी मैच हुई थी। और इसके बाद हमने गला बनाना है, जिस तरह हम बड़ा गला बनाते हैं उसी तरह से हम इस छोटे गले को भी बनाएंगे। लेकिन अगर आपने इसकी अलग से वीडियो देखनी है मतलब सिंपल गोल गला हम आसान से आसान करके किस तरह से बना सकते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम भी मेरी वीडियो देखते हैं ना तो आपको गला एक वीडियो देखने से आपको बनाना आ जाएगा, तो आप वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए मैंने दरमियान में सिलाई नहीं लगाई, मैंने यहाँ पे सिंपल पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ कपड़े के ऊपर सिलाई लगाई है बिल्कुल किनारे पे और फिर ये सिलाई इस तरह से इसको कंप्लीट करके पक्का करके इसके दरमियान जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सारा हमने कट कर दिया। हाँ, थोड़ा सा कपड़ा जो छोड़ा है अंदर उस पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और इस गले को बैक साइड पर करके नीट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा गला जो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब हमने बैक साइड का गला लेना है। अब हमने यहाँ पे ये जो पीस निकाला था उसी को मैंने लिया और यहाँ पे इसको रखा इस तरह। जितनी हमने फ्रंट साइड के गले की चौड़ाई रखी है बैक साइड की भी सेम उतनी ही रखनी है। अगर प्रिंट की वजह से नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि सेम एक जितनी ही रखनी है, सिलाई का मार्जिन बैक साइड में नहीं रखना है। तो ये मैंने यहाँ पे शेप कट की, गहराई जो है वो मैंने थोड़ी सी कम रखी है। अब यहाँ पे मैंने पट्टियाँ भी रेडी कर ली हुई थी। बैक साइड का कट जो है मैं तकरीबन 3 इंच या 3.5 इंच बनाती हूँ, तो यहाँ पे मैंने पट्टियाँ रेडी कर ली थी पहले ही और फिर एक साइड की पट्टी को नीचे रख के और कपड़ा इसके अंदर करेंगे। ये लॉन है तो लॉन की जो तय है वो नाखून से ही बन जाती है, तो मैंने इसी को तय बना के तो एक पट्टी लगाई यहाँ पर।
इस तरह से। नीचे एक्स्ट्रा जो था वो मैंने कट कर दिया और इसको सिलाई लगा के एक पट्टी लगाएंगे और फिर दूसरी साइड पे हम दूसरी पट्टी लगाएंगे। ये पट्टियाँ बिल्कुल इस तरह हैं जिस तरह से हम जेंट्स प्लेकेट बनाते हैं, उसमें हमने बुकरम लगाई होती है। इसमें हमने बुकरम कुछ भी नहीं लगाया है, सिंपल कपड़ा है जिसको हमने फोल्ड किया है। ये देखें, इसको भी फोल्ड किया हुआ था पहले ही, इसको इसके अंदर रखा शर्ट वाले कपड़े को, और फिर यहाँ पर हमने सिलाई लगाई है। नीचे हम छोटा सा अटोका बना लेंगे, लेकिन अगर आपको प्रिंट की वजह से ये यहाँ पे ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है कि ये चीज़ आप इसको आसान तरीके से मतलब किस तरह से बना सकते हैं। मेरी वीडियोस में ज़्यादा आपको कमेंट यही मिलेंगे कि आपने बहुत आसान तरीके से बताया, तो अगर आपको वीडियो आसान लग रही है तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए अपने चैनल को विज़िट भी कर सकते हैं, पसंद आए तो लाइक भी कर दें। और फिर इस तरह से मैंने यहाँ पे नीचे कोना बनाया है और फिर यहाँ पे मैंने छोटा सा टोका बना लिया है। और बैक साइड मैंने पहले भी बताया है कि 3 इंच या 3.5 इंच, इस पर एक बटन ऊपर जब लग जाता है तो ये कवर हो जाता है, लेकिन अगर आप इससे लंबी बनाते हैं प्लेकेट बैक साइड वाली तो आपको 2 बटन लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने कोने जो हैं वो मैंने कटर से ठीक करते हुए इसको नीट किया और यहाँ पर इस तरह से मैंने पक्का करके सिलाई को ठोका बना लिया। अब इसको मैंने पीछे ही कर दिया और ये सिलाई मैं ऊपर तक लेके आऊंगी इस तरह, और ये सिलाई ऊपर तक आएगी। अब ये बैक साइड हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने इस पे असर लगानी है, रेप पट्टी जिसको कहते हैं, तो वो भी मैंने कट कर ली है। अब ये रेप पट्टी है, इसको हमने ऊपर से कट किया और जो ओपन वाली साइड है, जिस तरह से हम अपना बैक साइड का गला बनाते हैं सेम इसी तरह से ये वाली असर लगेगी, लेकिन यहाँ पे मैंने 1/2 इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा रख के उसको नीचे की तरफ फोल्ड किया है और फिर यहाँ पे पैर पैर की सिलाई लगाई है। गुलाई की शेप में हम यहाँ पे पैर पैर की सिलाई लगाएंगे। इस तरह एक्स्ट्रा जो है वो कट किया और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसको सीधा करेंगे, ये देखें इस तरह करके, और फिर इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। और फिर इसके इसको नीट करने वाली जो एंड वाली सिलाई है वो हम गला लगाने के बाद लगाएंगे, इसको अंदर करके नीट करेंगे, लेकिन ये हम बाद में लगाएंगे। ये मैंने दोनों तरफ जो है वो अस्तर लगा ली है। अब फ्रंट साइड का जो गला था उसको मैंने रखा और इसको यहाँ पे बराबर करते हुए जो बैक साइड की एक्स्ट्रा पट्टी है उसको फ्रंट साइड के गले के ऊपर करेंगे इस तरह, और फिर यहाँ पे 1/2 इंच की सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच कपड़ा जो एक्स्ट्रा हमने रखा हुआ था वो हमने यहाँ पर बाहर निकाल दिया। अब दूसरी तरफ की सिलाई भी इसी तरह से होगी कि बैक साइड का गला जो है वो फ्रंट साइड के गले के ऊपर आएगा और यहाँ पे सिलाई आएगी। और इसको खोलेंगे और जो बैक साइड की लास्ट सिलाई थी हमारी, जिस पे हम तुरपाई भी कर सकते हैं लेकिन बच्चे हैं तो बच्चों के लिए सिलाई ही ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पक्का करके सिलाई को शुरू किया और गुलाई की शेप में कोना नीट करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा ली। और सेम दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे और हमारा गला जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से हमारा गला जो है वो रेडी हो चुका है, मतलब ऊपर बॉडी जो है वो बन चुकी है। अब नीचे हमने फ्रिल बनानी है, तो फ्रिल के लिए हमने ये जो पीस है इसको लिया और मशीन का टांका हमने फुल बड़ा कर लेना है और यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। मैं यहाँ पे एक ही सिलाई लगाती हूँ, आप चाहें तो 2 भी सिलाइयाँ लगा सकते हैं। यहाँ पे एक सिलाई लगाई, एक्स्ट्रा धागा भी रखा और फिर अगले पीस को भी सिलाई लगा ली थी। और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे कट करके जो धागा नीचे से आया है मशीन की बूबिन से, मशीन की फिरकी से जो धागा आया है उसको हमने लेना है और गिरा लगानी है। गिरा लगा के उसको मैंने मशीन के यहाँ पे अटकाया और फिर दूसरी तरफ से भी वही नीचे वाली साइड वाला धागा जो है उसको लिया। ऊपर वाले धागा जो है वो ज़रा खींचने में ज़रा मुश्किल होता है, नीचे वाला धागा आसानी से खींचा जा सकता है। तो एक साइड से मैंने मशीन को पकड़ाया हुआ है और दूसरी साइड से मैंने खुद पकड़ के तो जो चुनटे हैं वो मैंने डाली हैं और इसको कमीज़ की सीधी साइड पे रखते हुए हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है।
फ्रिल जो है वो साथ साथ हम सही करते रहेंगे, क्योंकि चुंटे जो है वो कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम ना हो जाएं, तो इसलिए हमने चुंटे जो है वो बराबर करनी है। बिल्कुल इस तरह से सेट करते हुए हम इसको बॉडी के साथ अटैच कर लेंगे, ये इस तरह से। तो ये बन के कुछ इस तरह से लगेगी। इसको मैंने सीधा किया ये, और बैक साइड भी फिर इसी तरह से हम बना लेंगे। ये फ्रंट बैक हमारी दोनों होगी। अब हमने लगाना है इस पे बाजू। तो बाजू पे जैसे कि हमने यहाँ पे शेप की कटिंग की थी, और यहाँ पे हमने इसको चुंटे डालनी है, तो यहाँ पे इस तरह से दोनों तरफ से हम प्लेट्स डालेंगे। यहाँ पे इस तरह से प्लेट्स भी डाल सकते हैं, और सिलाई लगा के आप चुंटे भी डाल सकते हैं, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे चार प्लेट्स डाल के उस पर थोड़ी सी पहले सिलाई लगाई थी इस तरह करके। अब ये प्लेट्स कम थे मुझे थोड़े से, मैंने बाजू बड़ा बनाया था तो मैंने थोड़े से और बनाए, तो एक एक प्लेट दोनों तरफ और रखा। सिलाई इसलिए लगा ली थी कि फिर अब बाजू को शर्ट के साथ लगाना जो है वो इजी हो जाए। ये देखें इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी, और फिर दूसरी तरफ से भी तीन प्लेट और डाले इस तरह। आपको जितना बाजू मतलब जितना आपने एक्स्ट्रा रखा होता है फिर उतनी हम इसको सिलाई लगा लेंगे। अब हमने कमीज़ के ऊपर इसको रखना है। अब ये वाला बाजू हमने गुलाई की शेप में नहीं लगाना, और इसको ऊपर रख के ही लगा लेंगे, क्योंकि ये बाजू छोटा है। फ्रंट साइड के जो कंधे की कटिंग थी वो मैंने की है, हल्की सी की है, और इसके बाद गले ये जो बाजू है इसको हमने एक साइड से शुरू नहीं करना है, इसको हमने दरमियान से शुरू करना है। दरमियान से शुरू करते हुए एक साइड से लगाएंगे, और फिर दूसरी साइड से भी एंड से शुरू करके दरमियान तक लेके आएंगे। मतलब ये बाजू हमने इसी तरह खोल के तो लगाना है, और इसका दरमियान भी सेंटर भी है जो है वो बिल्कुल ठीक लगाना है। ये देखिए इस तरह से एक तरफ, और फिर दूसरी तरफ से भी। कपड़ा मैंने पहले देखा कि पूरा है, तो पूरा बिल्कुल पूरा था, तो जहाँ जितना था उतने पे ही मैंने सिलाई को शुरू किया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा था तो मैंने एक और चुनर डाल के इस कपड़े को पूरा कर दिया, और फिर यहाँ पे सिलाई लगा दी। अब ये सिलाई जो है वो इस तरह से है, ये बन के ऊपर से रेडी हो चुका है। अब नीचे हमने लेस लगानी है, तो लेस को यहाँ पे मैंने इस तरह से रखा, एक सिलाई यहाँ पे लगाई, यहाँ पे लेस को मैंने सीधा ही रखा है। अब इसको फोल्ड किया इस तरह। अब कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे कपड़े पे भी सिलाई लग रही है हमारी, और लेस के ऊपर भी लग रही है। इस तरह से हमने बिल्कुल जो पहले सिलाई थी उसी के ऊपर ही हमने सिलाई लगाई है। इसको सीधा करेंगे, और पाइप मुझे जो लेस है वो दोनों तरफ से हमारी नीट हो चुकी है, और इसके अंदर कपड़े के अंदर भी चली गई है, पता भी नहीं चल रहा कि ये कैसे लगी है। अब इसकी बैक साइड जो है वो बनाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जो बैक साइड पर है उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से। अब यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है, इसको फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम लास्ट सिलाई जो है वो लगाएंगे, और इस फ्रॉक के साथ मैंने ट्यूलिप शलवार बनाई थी। ट्यूलिप शलवार की भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी हुई है, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मोहरी मैंने जितनी रखनी थी उतनी रखी, और फिर यहाँ पे इस चीज़ को बराबर करते हुए यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। अब नीचे से ये जो वाइट पार्ट है ये हमारा बाहर नहीं आना चाहिए, इसको सिलाई के अंदर ही मतलब बाहर निकाल देंगे। ये देखें इसको मैंने अच्छे से सेट किया, और यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी। अब नीचे भी मैंने एक लेस ही लगाई थी, लेस डोरी टाइप लेस है जो कि मैंने नीचे पहले ऊपर रख के लगाई थी, फिर इसको फोल्ड करके इसको हल थोड़ा सा बाहर निकाला, मतलब थोड़ी थोड़ी ये बाहर नज़र आ रही थी और ज़्यादा अंदर ही थी, और फिर इसको भी नीट करके सिलाई लगाई। और ये हमारी फ़्रॉक कुछ इस तरह से रेडी हो गई है। उम्मीद है आपको ये वाली फ़्रॉक ये डिज़ाइन इस तरह का पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसके साथ अब ऊपर ये जो हमने पट्टी बनाई थी इसके ऊपर हमने कुछ बटन लगा लें, या इस तरह के कुछ भी, मतलब आप इसको चेंज अपनी मर्जी से कर सकते हैं, टसल लगा लें, कुछ भी लगा लें। और बैक साइड पे हमने एक बटन लगाना है, और इसके साथ जो है वो मैंने ये ट्यूलिप शलवार बनाई है, इसकी भी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह ने के पान।